फर्टिलाइजेशन क्या होती है? द फ्यूजन ऑफ अ हैप्लॉइड मेल गैमेट विद हैप्लॉइड फीमेल गैमेट ओवम। जब मेल गैमेट स्पर्म फीमेल गैमेट ओवम के साथ फ्यूज करता है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फ्यूज करने के बाद वो जायगोट बन जाता है। और ये दोनों गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, मतलब इन दोनों गैमेट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारे सेल्स में नॉर्मली 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पर इन गैमेट्स में 23 होते हैं, ठीक है, हाफ होते हैं, क्योंकि ये दो जुड़ के फिर एक बनना होता है, और इसलिए गैमेट्स में जो क्रोमोसोम्स हैं उनका नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है। आगे साइट कहाँ पे होती है, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है? इट्स इन द एम्पुलरी एस्थमिक जंक्शन ऑफ ओविडक्ट। हमारी जो ओविडक्ट है, जिसे हम फिलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, उसकी लाइक बिल्कुल एज पे जाके जो फीमेल गैमेट है ओवम, वो वहाँ पे जाके ठहरता है, ठीक है, और वो वेट करता है स्पर्म के आने के। आगे अराइवल ऑफ स्पर्म्स। अब स्पर्म्स आते हैं, मेल डिस्चार्ज सीमेन इनटू द फीमेल वजाइना क्लोज टू द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वार्टर्स कॉल्ड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होती है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पार्ट होता है पेनिस, वो पेनिस जो है फीमेल की वेजाइना में मेल गैमेट स्पर्म रिलीज कर देते हैं, और वो जो रिलीज करता है उसे हम सीमेन कहते हैं। वो सीमन में अकेले स्पर्म्स ही नहीं होते, और भी फ्लड्स वगैरह होते हैं, और जब पेनिस फीमेल के वजाइना में सीमेन डिस्चार्ज करता है, छोड़ता है, उसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं। ड्यूरिंग क्वार्टर्स, सिंगल इजैक्युलेशन कंटेन 300 मिलियन स्पर्म्स। एक सिंगल इजैक्युलेशन में 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स, अब स्पर्म्स कैसे मूव करते हैं इन द वजाइना ऑफ फीमेल। ओनली फ्यू थाउजेंड फाइंड देयर वे टुवर्ड्स द ओपनिंग ऑफ फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब जहाँ पे फीमेल गैमेट ओवम प्रेजेंट है, ओनली 300 मिलियन स्पर्म्स इजैक्युलेट होते हैं एक इजैक्युलेशन में। उनमें से सिर्फ 1000 जो है वो ओवम तक पहुंच पाते हैं। द ल्यूकोसाइट्स ऑफ द वजाइनल एपिथीलियम एनगल्फ मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। फीमेल वजाइना की जो एपिथीलियम वॉल है, कवरिंग है, वो कितने सारे स्पर्म तो वहाँ ही एनगल्फ कर लेती है, वहीं डिस्ट्रॉय कर देती है। आगे अराइवल ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। अब जो फीमेल गैमेट है वो सेकेंडरी ओसाइट स्टेज पे होता है अभी, और वो कैसे बनता है? इन ह्यूमन बीइंग्स सेकेंडरी ओसाइट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द मैच्योर गिरेफियन फॉलिकल ऑफ एन ओवरी। ओवरी में फीमेल गैमेट ओवम बनता है, ये सबको पता है। वहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल नाम के सेल्स होती हैं, जिन्होंने जो फीमेल गैमेट को कवर किया होता है, पूरी उनकी कवरिंग बनाई होती है, और उनके बीच में ही जो फीमेल गैमेट है डिवेलप होता है, बनता है, और डिवेलप होने के बाद वो जो ग्रेफियन फॉलिकल सेल्स रैप्चर हो जाते हैं या ऐसे सेपरेट हो जाते हैं, और सेकेंडरी ओसाइट को छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं इनटू द फिलोपियन ट्यूब में। अभी जब प्रॉपर फीमेल गैमेट
ओवम बन के ओवरी में से रिलीज नहीं होता। सेकेंडरी ओसाइट स्टेज पे जो है वो रिलीज हो जाता है। अभी फाइनल मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होनी होती है। वो डिवीज़न कंप्लीट होने के बाद प्रॉपर फीमेल गैमेट ओवम बनता है। और वो डिवीज़न कंप्लीट कब होती है? जब स्पर्म आके सेकेंडरी ओसाइट के साथ फ्यूज होता है। ओसाइट इज़ रिसीव्ड बाय द फिलोपियन फनल एंड सेंट इनटू द फिलोपियन ट्यूब एंड मूव फॉरवर्ड विद द हेल्प ऑफ सीलिया। अब ओवरी में से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो रहा है। रिलीज होके फिलोपियन ट्यूब की एक फनल सी होती है जो ओवरी के साथ, फिलोपियन ट्यूब ओवरी के साथ थ्रू फिलोपियन फनल कनेक्टेड होते हैं। वो सेकेंडरी ओसाइट फिलोपियन फनल रिसीव कर लेती है और रिसीव करने के बाद फिलोपियन ट्यूब में छोड़ देती है। और फिलोपियन ट्यूब की जो इंटरनल लाइनिंग है वो सीलिया के साथ कवर्ड होती है। छोटे छोटे सीलियास जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और वो सीलियास ही सेकेंडरी ओसाइट को आगे तक फिलोपियन ट्यूब की एंड तक पहुंचाती हैं। आगे सेकेंड मियोटिक डिवीज़न इज़ इन प्रोग्रेस। ये मैं आपको बता दिया कि जो फाइनल मियोटिक डिवीज़न है वो अभी नहीं हुई, वो बाद में होगी। सो विद द एंट्री ऑफ स्पर्म सेकेंड मियोटिक डिवीज़न इज़ कम्प्लीटेड एंड फॉर्म ओवम। जब स्पर्म आके सेकेंडरी ओसाइट के साथ फ्यूज करता है तो उसकी जो फाइनल मियोटिक डिवीज़न है वो कंप्लीट हो जाती है और वो प्रॉपर फीमेल गैमेट ओवम बना देती है। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। अब स्पर्म्स जो हैं वो कैपेसिटेटेड कैसे होते हैं, मतलब उन्हें प्रॉपर कैपेसिटेट करना पड़ता है कि वो फीमेल वेजाइना में सर्वाइव कर पाए। सिक्रीशन ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट रिमूव कोटिंग सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ स्पर्म्स पर्टिकुलरली ऑन द एक्रोसोम। अब आप स्पर्म का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके स्ट्रक्चर के सब ऊपर वाला पार्ट एक्रोसोम होता है। वो कहते हैं कि जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कुछ सिक्रीशंस होती हैं, कुछ फ्लड्स होते हैं, जो स्पर्म के ऊपर जो भी सब्सटेंसेस लगे होते हैं ना वो सारे उतार देती हैं, मेनली ऑन द एक्रोसोम। एक्रोसोम पे बहुत सारे सब्सटेंसेस लगे होते हैं, उन्हें उतार देती हैं, डिसॉल्व कर देती हैं, ताकि जो स्पर्म हैं वो अच्छी तरह से सेकेंडरी ओसाइट के साथ जाके फ्यूज़ हो पाए। Thus the receptor site on the acrosome are exposed and sperm get activated to penetrate the egg. जो acrosome की जो receptor site है, जो सबसे पहले जाके acrosome ही fuse करता है secondary oocyte के साथ, वो acrosome पूरा फ्री हो जाता है, मतलब वो उसके ऊपर जो भी लगा होता है वो सब उतर जाता है, वो एक्सपोज हो जाता है और पूरा प्रॉपर रेडी हो जाता है एग को पेनेट्रेट करने के लिए। फिनोमिना ऑफ स्पर्म एक्टिवेशन इन मैमल्स इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। मैमल्स में स्पर्म एक्टिवेट होते हैं, जिस वजह से वो एक्टिवेट होते हैं, जो जो सिक्रीशन से वो एक्टिवेट होते हैं, उस फिनोमिना को हम कैपेसिटेशन कहते हैं, क्योंकि वो सिक्रीशंस उन्हें कैपेसिटेट करती हैं, उन्हें कैपेबल करती हैं कि वो जाके फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ कर पाएँ। ठीक है, और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट है। वो सिक्रीट करते हैं जो सिक्रीशंस, उन सिक्रीशंस से ये जो स्पर्म हैं ये कैपेसिटेट होते हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। आगे कौन कौन से ग्लैंड की सिक्रीशंस स्पर्म को कैपेसिटेट करती हैं? सेमिनल वेसिकल,
प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिन्हें हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। आगे ये जो तीनों है ना, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट हैं और वास डेफरेंस जो है वो स्पर्म्स को लेके जा रही होती है और वो उन ग्लैंड्स, ये तीनों ग्लैंड से होकर निकलती है। और जैसे जैसे वो स्पर्म्स इन ग्लैंड्स के पास आते हैं और ये ग्लैंड्स जो हैं सिक्रीशन सिक्रीट कर देते हैं, और सेमिनल वेसिकल सिक्रीट करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करता है एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड सिक्रीट करता है, और वो सारी सिक्रीशंस स्पर्म में ही चली जाती हैं और जो प्रॉपर सीमन बनाती है। बताया था ना कि सीमन में अकेले स्पर्म्स नहीं होते, ये तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशंस भी होती हैं जो स्पर्म को हेल्प करती है कि वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में सर्वाइव कर पाए। इन द सीमन कंटेन न्यूट्रिएंट विच एक्टिवेट द स्पर्म्स। सीमन में न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो स्पर्म को एक्टिवेट रखते हैं, वो न्यूट्रिएंट यही ग्लैंड सिक्रेट करते हैं। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स आल्सो न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ वजाइना। वजाइना के जो थोड़ा सा जो सराउंडिंग्स हैं वो एसिडिक होती है, और इतनी एसिडिक नेचर में जो स्पर्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो ग्लैंड्स हैं ये लाइक वैसे सिक्रीशंस रिलीज करते हैं कि जब इजैक्युलेशन हो पेनिस वजाइना में, फीमेल की वजाइना में जब सीमेन इजैक्युलेट करे तो वो साथ में स्पर्म के साथ सिक्रीशंस भी साथ में ही जाती हैं, तो वो सिक्रीशन वजाइना की जो एसिडिक नेचर है उसे न्यूट्रलाइज कर देती हैं। लाइक एसिड को जो बेस ही न्यूट्रलाइज कर सकता है वो सिक्रीशंस बेसिक होती हैं, तो जो स्पर्म्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं वजाइना में, और जो भी बहुत सारे तो डिस्ट्रॉय हो भी जाते हैं और कई सर्वाइव कर पाते हैं और फिलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। इट टेक 5 to 6 hours फॉर कैपेसिटेशन इन वजाइना। वजाइना में ये सब चीज़ें होने के लिए लाइक स्पर्म्स कैपेसिटेट होते हैं, एसिडिक नेचर न्यूट्रलाइज होती है, ये सब चीज़ों के लिए 5 to 6 hours लगते हैं। आगे कैपेसिटेटेड स्पर्म undergo acrosomal reaction and release various chemicals present in the acrosome. जो स्पर्म के ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया आपको एक्रोसोम, उसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो जो केमिकल्स हैं उन्हें हम स्पर्म लाइसिंस कहते हैं, और वो केमिकल्स जो सेकेंडरी ऊसाइट की कवरिंग होती है ना, कितनी सारी उसकी कवरिंग्स होती हैं जो सेकेंडरी ऊसाइट को प्रोटेक्ट करती हैं, उन कवरिंग्स को डिसॉल्व कौन करता है, ये स्पर्म लाइसिंस करते हैं। अब स्पर्म जब सेकेंडरी ऊसाइट तक पहुंच गया तो वो अपने एक्रोसोम में से ये एंजाइम्स रिलीज करता है, हाइल्यूरोनाइडेस। एक एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम हाइल्यूरोनाइडेस कहते हैं, विच एक्ट्स ऑन द ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑफ फॉलिकल सेल्स। अब सेकेंडरी ऊसाइट ग्रेफियन फॉलिकल्स में से निकल के आता है बाहर, तो उसके साथ थोड़े थोड़े से फॉलिकल सेल्स भी लगे होते हैं, उन सेल्स को कौन हटाता है, ये हाइल्यूरोनाइडेस केमिकल या सिक्रीशन। और एक एक्रोसोम में से केमिकल निकलता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करता है। कोरोना रेडिएटा ये सेकेंडरी ऊसाइट की एक वॉल होती है, कवरिंग होती है, उस कवरिंग को कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स डिसॉल्व करते हैं, और जूना लाइसिन या एक्रोजिन
ये वो वाला केमिकल है जो ज़ूना पैलेसिडा कवरिंग को डिजॉल्व करता है। ज़ूना पैलेसिडा वॉल भी सेकेंडरी ऊसाइट के प्रेजेंट होती है जो उसे कवर करती है। ज़ूना पैलेसिडा वॉल होती है, उस वॉल को ज़ूना लाइसिन या जिसे हम एक्रोजिन कहते हैं वो वाला एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट करते हैं। ये जो तीनों केमिकल्स हैं ना, ये एक्रोसोम रिलीज करता है। एक्रोसोम एक स्ट्रक्चर होता है जो स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट होता है ऐसे।